गाइस तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं OnePlus के लेटेस्ट ऑक्सीजन OS के रॉम को अपने K20 Pro में इंस्टॉल कैसे करें हम। गाइस इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना पड़ेगा, हमारे फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। गाइस हम लोग फर्स्ट में वाइप में आ जाएंगे, डेल्फी कैश सिस्टम वेंडर डेटा इन पांचों को जो है हम लोग वाइप कर देंगे। एंड गाइस यहां पे ऑक्सीजन ओएस का जो बूट फाइल है इसे भी हमें यहां पे फ्लैश कर देना है। हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, यहां पे डाउनलोड्स में आ जाएंगे एंड यहां पे वेंडर को फ्लैश कर देंगे। गाइस ये फ्लैश हो जाने के बाद हम लोग जल्दी से सिस्टम को भी फ्लैश कर देंगे। तो गाइस सिस्टम फ्लैश होने के बाद जल्दी से हम लोग एफ क्रिप्ट डिसेबलर के जिप फाइल को फ्लैश कर देंगे। ये भी हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रिबूट सिस्टम का ऑप्शन जो है क्लिक कर देंगे। सो गाइस फाइनली हो चुका है स्टार्ट, अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन यहाँ पे OnePlus टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को हम लोग यहाँ पे एग्री कर लेंगे। जल्दी से एग्री करने के बाद यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम को भी आई एम इन का यहाँ पे दबाना पड़ता है बटन, एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिम प्रेफरेंसेस को जल्दी से सिलेक्ट कर लेंगे, देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होके जो बेसिक एंड्रॉयड फॉर्मेलिटीज है वो हम सभी पूरे कर लेंगे। एक बार वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो ये रॉम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।